नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। मैं कुमार अश्मित। आज के टॉप हेडलाइंस हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब उनके बेटे भी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। जो बिडेन की पत्नी जिल की नीति निदेशक बनी, भारतीय मूल की माला अडिगा। ऑस्ट्रेलिया के पिज्जा शॉप एक झूठ और पूरे राज्य में लग गया कोरोना वायरस लॉकडाउन। कोरोना वायरस से दूसरी लहर के आगे बेबस पड़े यूरोप, अमेरिका और खराब हो सकते हैं हालात। जीत की जीत पर पड़े ट्रंप, सहयोगी के साथ मिलकर बाइडेन के विजय को पलटने का कर रहे प्रयास। मसूद अजहर के भाई के इशारे पर तबाही की तैयारी में थे नरगोटा के मारे गए 4 आतंकी। पीएम मोदी की प्रशंसा के वाइस एडमिरल MS पवार बोले, समुद्र से आतंकवाद के हर खतरे को रोकने के लिए नौसेना तैयार। टीआरपी के हेरफेर मामले में परिवर्तन, निदेशालय ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। लॉकडाउन से बच रहे हैं दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात और अमेरिका भी, फिर कैसे रुकेगा कोरोना। आर्मी रैली भारती में, 10वीं 12वीं पास के लिए 4 से 31 जनवरी तक आर्मी भर्ती रैली, 28 दिसंबर से पहले करें आवेदन, ज्वाइन इंडियन आर्मी NIC.in पर। छठ पूजा, उदयमान सूर्य को अर्ध्य के साथ आस्था का महापर्व संपन्न। बिहार को लव जिहाद के खिलाफ कानून लाना चाहिए, गिरिराज सिंह। बेगूसराय में लापता बच्चे का शव मिला, अपहरण के बाद हत्या की आशंका। बिहार में छपरा के मांझी में छठ घाट पर हर्ष फायरिंग, महिला समेत 5 घायल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास में की छठ पूजा, भाभी ने दिया अर्ध्य। कटिहार में अस्तगामी सूर्य को डिप्टी सीएम ने किया अर्धदान, BMP छठ व्रतियों के बीच पहुंचे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। विजय बाबू पोखर छठ घाट का उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने फीता काटकर किया उद्घाटन। बरमसिया में घर के आगे छोटे छोटे कृत्रिम घाट बनाकर छठ व्रतियां करेंगी छठ। बिहार के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा, आरोप मुक्त होने के बाद पद पर आ सकते हैं वापस। हवाई अड्डा में छठ पूजा के अवसर पर जाम की स्थिति से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद। जिले में छठ महापर्व को लेकर विजय बाबू पोखर छठ घाट पर दंडवत करते हुए पहुंचे छठवर्ती। बैरिया गांव में घरेलू विवाद में तंग आकर महिला ने खाया कीटनाशक, सदर अस्पताल में इलाज जारी। मिर्चाईवाड़ी में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सूर्य भगवान की मूर्ति पंडाल का किया उद्घाटन, लोगों को दी छठ की बधाई। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमबी न्यूज 27।